हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है। तो ऑक्सीटोसिन एक्चुअली होता क्या है? तो ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो निकलता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। दिमाग में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो सभी प्रकार की हमारे शरीर की जो ग्रंथियाँ रहती है उनको रेगुलेट करता है, उनको नियमित करता है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन है, और वो रिलीज होता है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से खून में। ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, मतलब कि डिलीवरी के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, बच्चादानी का, उसको बढ़ाता है, उसको इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो ऐसे वजाइना की ओर, सर्विक्स की ओर जाता है, ओके, नीचे की ओर जाता है। मतलब कि ऑक्सीटोसिन का ये फंक्शन होता है कि वो जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, उसका इंडक्शन करता है, मतलब कि लेबर को इजी बनाता है, उसकी वजह से चाइल्ड बर्थ अच्छे से होता है। तो इसके लिए यूज होता है जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है वो। उसके अलावा देखिए तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो यहाँ पे पोस्ट डिलीवरी जो ब्लीडिंग होता है उसको भी कम करता है, ओके, तो इसमें भी यूज होता है। दूसरा इंजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो मिथाइल इर्गोमेट्रिन इंजेक्शन आता है। तो मिथाइल इर्गोमेट्रिन इंजेक्शन है वो भी यहाँ पे सेम काम करता है, वो भी यहाँ पे जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होता है, उसका टोन को बढ़ाता है, जो बच्चादानी होता है उनका जो संकोचन होता है उसके रेट को बढ़ाता है, वो ज़्यादा संकोचन हुए वो करता है। उसके अलावा देखे तो लंबे समय तक रहता है वैसा करता है, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि खून जो है वो कम निकलता है यूट्रस से, बच्चादानी से। तो ये यहाँ पे क्या काम करता है कि जो एबॉर्शन है और यहाँ पे डिलीवरी के बाद में जो खून निकलता है उसको कम करता है, तो इसमें इसका यूज़ होता है। उसके अलावा देखिए तो ये जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।